का नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर आज बाराबंकी में महादेवा इको पर्यटन स्थल बघर झील में राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वन्य पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने शिरकत की है। इस मौके पर महादेवा इको पर्यटन स्थल का उद्घाटन भी किया गया, साथ ही बघर झील की साफ सफाई और जैव विविधता पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया गया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह, सचिव वी प्रभाकर और डीएफओ रुस्तम परवेज भी शामिल हुए। पहले जलकुंभी बहुत थी, आज से जलकुंभी की हटाने की शुरुआत की गई है जी। और कुछ हिस्सों की जलकुंभी हटी भी है जी। लेकिन ये अभी शुरुआत है, पूरी झील से जलकुंभी साफ कराई जाएगी। और मैं चाहता हूँ यहाँ के लोकल लोग, यहाँ के निवासीगण, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, यहाँ की ग्राम सभाएं भी इसको झील को साफ करने में अपना सहयोग करें और झील को साफ रखें और जलकुंभी ना हो। बल्कि आज हमने इसमें मछलियाँ छोड़ी हैं, हम चाहते हैं इसमें मछली और छोड़ें और मछलियों का लेकिन शिकार अभी ना हो। 3-4 महीने तक जिस महीने में आर नहीं होता उसे मछली को बढ़ने के बाद। सपा राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य हरदोई पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछड़े और दलितों के हक को मारा है। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर कहा कि देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा हमारा सिर काटने पर करोड़ों का इनाम देने की बात करते हैं, ये पाखंड और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को सजग रहने की जरूरत है। खबर कानपुर से है, जहां शहरवासियों के लिए आने वाली 26 मई से कानपुर एयरपोर्ट एक नए क्लेवर में दिखेगा। 2 दिन पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई कि 26 मई को कानपुर में नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। इस शुभारंभ में केंद्रीय मंत्री के साथ साथ भाजपा के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। इस ट्वीट के बाद अब कानपुर प्रशासन लगातार एयरपोर्ट को फाइनल टच देने में लगा हुआ है, जिसकी सीधी समीक्षा लगातार कानपुर जिलाधिकारी से लेकर मंडलायुक्त कर रहे हैं। जिलाधिकारी विशाल जी अय्यर ने बताया कि शुभारंभ को लेकर लगभग सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और वो तैयारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने जितने असिस्टेंस है वो जिला प्रशासन के द्वारा भी दी जा रही है। सिर्फ व्यापारियों को कितना लाभ होने वाला है? देखिए, कानपुर जो एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में आइडेंटिफाइड है और काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, निश्चित रूप में जो कनेक्टिविटी होने से जो यहाँ के जो इन्वेस्टर्स को आने के लिए भी सुविधाजनक रहेगी और उसके साथ साथ जो यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए जो एक्सेसिबिलिटी कनेक्टिविटी की ऑप्शंस भी उनको मिलेगी। सर, 26 को योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, इसका उद्घाटन करने क्या तैयारियाँ कर रही है? देखिए, इसके संबंध में जैसे मैंने कहा है कि अब खबर कुशीनगर से है, जहां एक पूर्व ग्राम प्रधान की बेहद ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पूर्व ग्राम प्रधान राम हरक एक शादी समारोह से वापस अकेले अपने बाइक से घर लौट रहे थे कि पहले से घात लगाए बैठे बदमाश हमलावरों ने बाइक सवार पूर्व ग्राम प्रधान को धारदार हथियार से काट कर मौत के घाट तक उतार दिया। बता दें कि रामकोला थाना क्षेत्र के खोटही के पूर्व प्रधान राम हरक यादव बीती देर रात गांव के ही पास एक शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही आगे की जांच पड़ताल भी लगातार जारी है, जबकि इस मामले पर परिजनों ने दो पूर्व प्रधान प्रतिनिधियों और कुछ लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर भी दे दी है। थाना रामकोला क्षेत्र में खुदही नामक स्थान पर एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान राम हरक यादव के रूप में हुई है, जो रामकोला थाना क्षेत्र के निवासी हैं। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 4 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है।
प्रकरण में सभी पक्षों की गंभीरता के साथ जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल फरीदाबाद के चांदपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मृतक महिला के परिजन मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति और सास ससुर समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत एक FIR दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। छोटी बहन थी मेरी, प्रीति नाम था इसका। ये चांदपुर गांव में तेगांव से आके वहाँ पर आई, शादी हुई थी कन्हैया और नीटू सनोब नारायण सिंह के साथ हुई थी 2008 में। जी। दो बेटे हैं इसको, ये जो कन्हैया हैं ये हरियाणा पुलिस में है, सदर थाने पलवल में ड्यूटी है। ये IPL के सट्टे मैच वगैरह, शराब पीना, जुआ और भी गलत संगतों में सारी उसमें है। इसने IPL के मैच खेलने के कारण अपने ऊपर 25 लाख रुपए का कर्जा भी चढ़ा लिया था। तो उसमें फिर इसके जो पिता थे, सास थी मतलब, और मतलब माँ बाप इसके और इसकी बहन जीजा, ये इन सब ने छोटी बहन के ऊपर दबाव बनाया कि भाई हम ही 25 लाख देंगे सारे। हाँ, राधेश लड़की जो इसकी डेथ हुई है उसका भाई ने कंप्लेंट दी है कि मेरी बहन को मारा है और मेरे से पैसे भी लेते रहे, इस वजह से कंप्लेंट मिली। हमने 302 का मुकदमा दर्ज करा है, पोस्टमार्टम चल रहा है, जैसे कि तफ्तीश हो कार्रवाई। कितने लोगों के खिलाफ जो है शिकायत दी गई? अभी इन्होंने 5 आदमियों के खिलाफ दी, लड़का, लड़की की माँ बाप और बहन और उसका घर वाला। जो मृतक है उसके घर वाले जो पति हैं वो शायद किसी पति उसका बता रहे पुलिस में है, उसका कन्हैया नाम है जो पलवल पुलिस है, उसका एक रिश्तेदार भी और है वो पुलिस में बता रहे हैं। तो कब तक आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लेगी? अभी तफ्तीश चल रही है, चलेगी, पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद फारिग होकर देखते जल्दी कर देंगे। तो वहीं राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस की टीम ने आखिरकार खुलासा किया है। जहां DCP पश्चिम राहुल राज की टीम ने 3 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस टीम ने आला कद भी बरामद किया है। वहीं DCP पश्चिम राहुल राज ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का पुरस्कार भी देने का ऐलान किया है। अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काकोरी की। यहाँ पर एक हत्या का खुलासा हुआ है और मेरे साथ अभी मौजूद हैं DCP पश्चिम राहुल राज जी। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये खुलासा किया है और कितने लोग पकड़े गए हैं। थाना काकोरी में अमित रैदास नाम के एक युवक की हत्या 19 तारीख को हुई थी, जिसका जब डेड बॉडी 20 को रिकवर हुई तो 302 का मुकदमा कायम हुआ। इसके आज 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक बिजन शर्मा है जो कि बढ़ई का काम करता है, दूसरा नसीरुद्दीन है जो कि टेंट हाउस काम करता है, और तीसरा सत्येंद्र है जो कि लेबर का काम करता है। इसमें पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि अमित पैसा देने का काम करता था ब्याज पर, और इसी के तहत विजेंदर के कहने पर उसने सुमित नाम के किसी लड़के को पैसा दिया था 28,000 रुपए। वो सुमित की जो है कुछ दिन बाद डेथ हो गई, जिसके कारण कि पैसा इसका वापस नहीं हो पाया, तो इसने जो विजेंदर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि हमारा पैसा तुम वापस करो। इस पर जो विजेंदर अपने 2 साथियों को मिला करके इसकी हत्या की योजना बनाया, और 19 तारीख को जहाँ पर कि ये लोग आए दिन मिला करते थे और शराब आदि पिया करते थे, वहीं पर ये लोग गए हैं और वहाँ पर अमित को बुलाए हैं, और अमित को जो है फिर बांके से उसकी हत्या की गई है। इसमें बांका भी बरामद कर लिया गया है और 3 अभियुक्त जो घटना में शामिल थे 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, इन लोगों का पहले से भी कोई आपराधिक इतिहास था? नहीं, इनका आपराधिक इतिहास नहीं था। ये चूंकि एक ऐसी घटना थी जिसमें कि इनको जो है
परेशानी इनको महसूस हो रही थी, चूंकि पैसा की डिमांड हो रही थी, इसके तहत इसने जो है हत्या किया है। ये थे मेरे साथ डीसीपी पश्चिम, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हत्या का खुलासा हुआ है, जिसमें तीन लोग पकड़े गए हैं। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए मोहम्मद वैस। अब खबर देवरिया से है, जहां सलेमपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देवरिया प्रभारी निरीक्षक सलेमपुर अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर वांछित चल रहे नामजद अभियुक्तों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि इन तीनों आरोपियों की कई दिनों से तलाश की जा रही थी, वहीं आज बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों को धर दबोच लिया गया है। खबर रायबरेली से है, जहां गदागंज थाना क्षेत्र में शादीशुदा महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि अभी विवाहिता के फांसी लगाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। औरैया में बिहार जंगल में फायर ब्रिगेड का आग बुझाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि वीडियो अयाना थाना क्षेत्र के जंगल का है, जहां फायर ब्रिगेड कर्मी आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जंगलों में दो जगह अज्ञात कारणों से आग लग गई थी, जिसकी जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों के द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया है। दिनांक 21 को सुबह 11 बजे ग्राम अनुरुद्धपुर थाना आयाना में जंगलों में आग लगने की सूचना मिली। तत्काल दो फायर टेंडर लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन फायर टेंडर अग्नि दुर्घटना स्थल पर नहीं पहुंच पा रहा था, तो तत्काल ही सभी जवान मौके पर पैदल ही पहुंचे और आग को पीट पीट के पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। तत्काल ही दूसरी सूचना थाना आयाना स्थित ग्राम जगतपुर में सेम कंडीशन में आग की सूचना मिली, तो उसको भी अंदर घुस के मैनुअली हरी टैनियों से पीट पीट के आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। इसमें कोई जनहानि धनहानि नहीं हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।